देख लो, कल एक्सरसाइज 3.1 में हम तुम्हें कंप्लीट कर दिए थे ना, हट जाओ, पूरा कंप्लीट बता दिए थे। आज 3.2 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले बेसिक डेफिनेशन लिखवाए थे ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, उसे मत ध्यान दो यार, यहां ध्यान दो। तुम्हें बताए थे ना एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, चतुर्थांश, ये सब बताए थे ना। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, मैं बोला था इन क्षैतिज रेखाओं को मैं क्या बोलता हूं, एक्स अक्ष, ये पहले परिभाषा दे चुके हैं ना, ये देखो मैंने बोला था जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाएंगी, डेफिनेशन में सब लिखवा दिए हैं कि जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं इनको एक्स अक्ष कहते हैं, और मैंने ये भी बोला था एक्स अक्ष के लंबवत जो रेखा ये खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। मैंने बोला था एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उन्हें मूल बिंदु कहते हैं, मैंने ये भी बोला था ना, याद रखो, मैंने बोला था क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को जब लंबवत काटते हैं तो यह तल चार भागों में बट जाता है, कितने भागों में, और इनमें से हर एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, क्या ये बता नहीं चुके हैं, क्या बोले यार, चलो तुम्हारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन जरा देखोगे, यहाँ ये लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सिर्फ उत्तर देने हैं, क्या है? कुछ गलती ढूंढे, कह रहा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए, खुद ही बताओ क्या नाम है, क्वेश्चन पढ़ो, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले, यहां देखो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, बताओ जरा, तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, आंसर हो गया, बस यहां पे लिख देना है, सॉरी, हाँ, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, देखो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बात समझ में आया, तो क्षैतिज वाले का नाम क्या है और ऊर्ध्वाधर वाले का नाम, बस हो गया, यही लिख देना है, या आराम से आपको लिख देना है एक्स अक्ष तथा क्या लिख देना है, क्या बात समझ में आया, अब आप बोलो दूसरा वाला, इसका आंसर मिल गया ना, ओके, कह रहा है इन रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए, है चार गो तल है, एक दो तीन चार, इनमें से प्रत्येक तल को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, क्या बोलते हैं बाबू, बस आंसर हो गया, यहां लिख देना है चतुर्थांश, बस अब हाँ चतुर्थांश, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, अब यहां देखो कह रहा है क्या चीज, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, यानी एक दूसरे को काटती हो, ये और ये जहां पे काटेंगे यही वाला पॉइंट है ना, इसका नाम क्या बता रखे हैं, देखो कंसेप्ट तुम्हें पहले लिखवा दिए हैं तो अपने आप आंसर मिल जा रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि जो चीजें लिखवाई जाए अगर वह बेसिक कंसेप्ट है तो उसे तुम याद कर लो, तुम्हारी पहली रिस्पांसिबिलिटी है कि पहले तुम उसे याद करो, याद नहीं करोगे तो आगे जितने भी एक्सरसाइज पढ़ाए जाएंगे एक वर्ड भी उसका समझ में नहीं आएगा, अभी देखो याद है तो मैं पूछ रहा हूं तो तुम बताते जा रहे हो तो तुम्हारे लिए काम आसान हो रहा है ना, कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या बताओगे, मूल बिंदु, आंसर हो गया, बताओ तीन का आंसर तो ऐसे ही तुम्हें आ गया, बोलो पहला दूसरा तीसरा, तीनों का मिल गया, पहले का आंसर क्या है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, दूसरे का नाम क्या है बाबू, चतुर्थांश, और तीसरे का,
बोलो समझ में आ गया है? अगर मैं इसको सब मिटा दूं तो क्या अपने मन से लिख लोगे? मैं जिससे पूछूंगा बता दोगे? अमर तुम क्या कर रहे हो? देख लो खुद ही क्या कर रहा है। तुम लोग भी पीछे घूम के देख लोगे। बस इसलिए कि मैं मिटा दूं ताकि ध्यान से न देख पाए। अब मुझे पूछना है, अब जिससे मैं पूछूंगा स्टैंड अप। चलो बताओ जरा, तो बताओ जरा, पहले बोलो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बोलो। कोई नहीं बोलेगा, खुद ही बताओ क्या नाम है यहां। सॉरी, इसका नाम बताओ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बताओ। हाँ, एक्स यार, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, यही बोलो। ये इसका मतलब कि तू लोग एक तरफ पढ़ोगे दूसरे तरफ भूलेगा, तब तो प्रॉब्लम है ना। अभी मैं पढ़ाया हूं एक्स अक्ष तथा क्या बोलोगे? वाई अक्ष। बोलो क्लियर हो गया? तुम स्टैंड अप, इन दोनों का आंसर बोलो। बोलो पहले इन रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बोलो, चतुर्थांश। दूसरे का बोलो, नीचे वाले का आंसर। बस हो गया, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसका नाम क्या चीज है? मूल बिंदु। बातें खत्म है, आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गया ये वाला। कह रहा आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखे, बहुत ध्यान से सुन लो, अभी फटाफट लिख लो। तुम्हें लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ ऐसा लग रहा है हार्ड है, खतरनाक लग रहा है। जो चीजें खतरनाक होती है दिखती है वह होती नहीं है, इतना दिमाग में रखो। यहां देखो, कह रहा है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ए, पहले कह रहा है बी का निर्देशांक, इसमें ढूंढो पहले बी कहां पे है। पहले देखो बी यहां पे है ना। अब देखो इसका बी का एक्स अक्ष पर दूरी देखो, बी का एक्स, बी के पॉइंट, ये बिंदु बी है ना, इसको एक्स अक्ष से मिलाओ। देखो पहले, हमेशा पहले एक्स पे मिलाना फिर किस पे मिलाना। आप देखो एक्स पे ऐसे मिला रहे हो तो कहां पे मिल रहा है? माइनस पांच पे। तो सॉरी, कहां पे मिल रहा है बाबू? माइनस पांच पे। और वाई पे मिला रहे हो तो कहां मिल रहा है? दो पे। आंसर हो गया, आंसर बस हो गया। अब बोलो सी का निर्देशांक बताओ, सी ढूंढो कहां है, कहां भाई सी? हाँ यहां पे है ना, ये देखो सी का निर्देशांक, खुद बताओ पहले सी को किससे मिलाओगे? एक्स अक्ष से। देखो एक्स पे, ये एक्स है, एक्स पे मिलाओ क्या लिखा है? पांच। और फिर किस पे मिलाओ? वाई पे, क्या लिखा है? बोलो क्लियर हो गया? या बोलो यार, कोई डाउट है इसमें? चलो अब क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है माइनस तीन माइनस पांच द्वारा पहचान किया गया बिंदु, यानी एक्स अक्ष पर माइनस तीन और वाई अक्ष पर माइनस पांच, जहां पे है उस बिंदु को बताओ। एक्स अक्ष पर माइनस तीन ढूंढो कहां है? यहां पे है ना, कह रहा वहां से वाई अक्ष पर माइनस पांच चलिए, तो यहां से वाई अक्ष पर देखो माइनस पांच यहां पे है ना, यहां से चल के आओ। देखो ये पॉइंट है ना, इस बिंदु का नाम क्या चीज है बाबू? ई। तो कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए, तो क्या लिख देना? ई। आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम है? ए बोलो यार, समझ में आ जा रहा है? जरा बताओगे? दो चार, दो माइनस चार द्वारा पहचाना गया इसमें बिंदु कहां पे है। दो माइनस चार क्या है बाबू? दो माइनस चार यानी एक्स अक्ष पर दो और वाई अक्ष पर माइनस चार, बोलो कहां पे है? देखो हाँ, एक्स अक्ष पे दो यहां पे है ना, अब वाई अक्ष पर माइनस चार, देखो वाई अक्ष पे माइनस चार यहां पे, यहां से माइनस चार के सीधी पे आओ, देखो आ गया ना माइनस चार के सीधी पे। ए बोलो यार, तो ये पॉइंट क्या है? जी। तो बस यहां आंसर में तुम्हें लिख देना है जी। जी सर जी, बोलो क्लियर हो गया? यस सर। कह रहा बिंदु डी का भुज बताइए, बिंदु डी का भुज, तो पहले बिंदु डी का निर्देशांक लिखो। ए बोले यार, बिंदु डी का, तुम्हारे पास दो मेथड है, या तो बिंदु डी का पहले निर्देशांक लिखो या बिंदु डी जहां पे है वहां से एक्स अक्ष पे आ जाओ, पता चल जाएगा क्या है। देखो बिंदु डी का, बिंदु डी यही ना है, देखो बिंदु D का x अक्ष पे आओ, बिंदु D को x अक्ष से मिलाओ, बोलो यहाँ पे क्या लिखा है? छः। तो आंसर हो गया छः।
बोलो क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि बताए थे एक्स अक्ष पे जो दूरी चलते हैं उसे भुज कहते हैं और वाई अक्ष पे जो दूरी चलते हैं उसे कोटि। अगर वही कहता डी का कोटि बताओ तो वाई अक्ष पे जाते क्या है? दो, तो कोटि बराबर लिख देते दो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझे? जैसे कह रहा बिंदु डी का भुज बताइए, माने बिंदु डी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है? ये बोलो यार, तो यहाँ देखो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पे है, तो देखो बिंदु डी इन है तो यहाँ से आप एक्स अक्ष पर आ जाओ। देखो एक्स अक्ष पर कहाँ आ रहे हैं? एक्स अक्ष पे आ रहे हैं, तो कहाँ मिल रहा है? छः पे। तो बस डी बराबर क्या लिख देंगे? छः, बस हो गया। तो ऐसे भाषा थोड़ा बना लेना बच्चा, ऐसे लिख देना, ऐसे भुज बराबर डी का भुज कह रहा है ना, तो यहाँ लिख देना आप भुज बराबर छः। ये बोलो यार, यच की कोटि बताओगे, एच की कोटि? तुम लोग को डाउट हो रहा है ना भुज पे? ठीक, हटा दो इसको, हटा दो। बिंदु डी का निर्देशांक बोलोगे, डी का एक्स अक्ष पर कितना है बाबू? छः, और वाई अक्ष पर कितना है? दो। अब बोलो, मैंने बोला था जो पहला वाला होता है वह भुज होता है और बाद वाला क्या होता है? कोटि। क्या बात समझ में आ रहा है? तो पहले क्या लिखा है? छः, तो आराम से ऐसे लिख दो भुज बराबर छः, आंसर हो गया। क्या बात अभी नहीं समझ में आया? अब देखो एच की कोटि कह रहा है, तो पहले एच का निर्देशांक लिखो। बोलो यही ना है, एच का निर्देशांक देखो क्या होगा। एच का निर्देशांक, एच का निर्देशांक पहले एच को आप एक्स अक्ष से मिलाओ। बोलो एक्स अक्ष से मिलाओ, क्या यहाँ पे है? माइनस पांच। ये बोलो यार, फिर वाई अक्ष से मिलाओ, क्या लिखा है? माइनस तीन। तो मैंने बोला था पहला वाला भुज और बाद वाला क्या होता है? तो आप देखो यच की कोटि पूछ रहा है, तो यच की कोटि बोलो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देंगे कोटि बराबर माइनस तीन। क्या अभी नहीं समझ में आया? आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है पूरा पूरा? अब देखो मैं क्या बोला हूँ, इसमें भुज और कोटि कह रहा है ना, पहले जिसका कह रहा है डी और यच का कह रहा है, तो पहले डी और यच का निर्देशांक निकालो। पहले डी का निर्देशांक निकालना है, तो हम इस बिंदु डी से एक्स अक्ष पर चलेंगे, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखा है? छः, तो हो जाएगा छः। फिर यहाँ से वाई अक्ष पर कितना है? दो, तो हो जाएगा दो। क्या बात समझ में आया? तो अब देखो पहला जो होता है इसको हम कहते हैं भुज, और जो बाद वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? कोटि। तो मेरे को क्या पूछ रहा है बाबू? डी का भुज पूछ रहा है, तो भुज की जगह पे क्या है? छः, तो भुज बराबर क्या लिख दिए? छः। क्या अभी नहीं आया? अब देखो कह रहा है एच की कोटि, तो पहले एच का निर्देशांक निकालो। यहाँ एच है, इसका निर्देशांक निकालोगे तो पहले एच से हम एक्स अक्ष पर चलते हैं, एक्स अक्ष पर लाइन खींचते हैं, तो देखो एच से एक्स अक्ष पर लाइन खींच रहा है तो कहाँ पे मिल रहा है? माइनस पाँच, तो लिख दो माइनस पाँच। फिर वाई अक्ष को मिलाओ, ये कहाँ पे मिला है? माइनस तीन, तो लिख देंगे माइनस तीन। तो मैं क्या बोला था तुम्हें? मैंने क्या बोला था ये बताओ, मैंने तुम्हें ये बोला था जो पहला वाला होता है ये क्या होता है? भुज, और बाद वाला होता है ये क्या होता है? कोटि। तो क्वेश्चन में यच की कोटि पूछ रहा है, तो कोटि की जगह पे क्या है? माइनस तीन, तो कोटि बराबर माइनस तीन। क्या अभी नहीं आया? अब आ गया। कह रहा एल का निर्देशांक बताइए, आ जाओ एल 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 कहाँ है? एल यहाँ पे, बता दो कोई तो एल का निर्देशांक, जान जाएंगे कि मैथ पढ़ रहे हो। इस एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक कोई बताओ, एल का नहीं, क्या एक्स अक्ष पर इधर या इधर आप कोई दूरी चले हो? नहीं, कहीं चले हो? इसका मतलब एक्स का मान कितना है यहाँ पे? जीरो। और वाई अक्ष पर चले हैं, कितना दूरी पे है? पांच, तो हो गया पांच, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया? क्या बोलो यार? आप एक्स इधर चलते तब ना एक्स अक्ष पर दूरी मिलता, अच्छा इधर चलते तब मिलता, क्या हम इधर चाहे इधर चले हैं? नहीं, तो एक्स अक्ष पर दूरी कितना है? जीरो। लेकिन वाई अक्ष पर यहाँ से देख रहे हैं, इस वाई अक्ष पर कितना ऊपर चलना पड़ा है? पांच, तो हो गया पांच, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है बाबू, एम का, बोलो एम कहाँ पे है? यहाँ पे है ना बाबू, तो कोई अब एम का निर्देशांक बताओ। एम का, एम का देखो एक्स अक्ष पर कितना दूरी पे है? माइनस तीन, लिख लो माइनस तीन। क्या ये ऊपर चाहे नीचे कहीं गया है इस बिंदु पे? एम इस लाइन पे है ना, ऊपर नीचे कहीं नहीं ना है, तो ऊपर नीचे जाता है तो हमें वाई का मान मिलता, ये तो इसी पे है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब वाई का मान कितना होगा? जीरो। क्या बात समझ में आया? तो नीचे आया है तो बिंदु ई है ना यहाँ पे,
M तो इसी लाइन पे है ना, M तो ऊपर नीचे नहीं गया है, M इसी लाइन पे है। अगर M यहाँ पे अगर बिंदु होता है तो x का मान -3 होता और y का मान क्या होता, -2। लेकिन M यहाँ पे नहीं है, इस लाइन पे ही है। क्या बात समझ में आ रहा है? M ऊपर नीचे कहीं नहीं गया है। जब ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। और सिंपल एक गणित तुमको समझा रहे हैं, अगर ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, कोई बिंदु अगर इस y अक्ष पर स्थित होगा तो इस y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए x का मान कितना होता है, 0। और बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित रहेगा तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y का मान क्या होता है, 0। क्या बात समझ में आया? आप बोलो, ये बिंदु L, बिंदु जो L है ये किस पे स्थित है, तो यहाँ x का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब y का मान आपका 5 दिया है। अब देखो ये x अक्ष है, ये बिंदु M कहाँ पे स्थित है, x अक्ष पर ना, तो x अक्ष पर y का मान क्या हो गया, 0। और x का मान तो यहां से यहां तक -3 है, खत्म, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया? एक्सरसाइज कंप्लीट, फाइनल। क्या बात समझ में आ गया? अब अपने मन से लिखो।